इनको बहुत ज़्यादा तहफ़ुज़ात हैं इसके ऊपर। इंडिया कहता है क्योंकि ये चाइना का बनाया हुआ जहाज़ है और ये बहुत सारे जो हसास मकामात हैं ये उनकी मालूमात लेने के लिए आया है। और আসসালামু আলাইকুম জি, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আপনারা কেমন আছেন? আমি ভালো আছি, আশা করি সবাই ভালো আছেন। আমি সোম্যান, আপনারা দেখছেন সোম্যান রিয়াকশনস। তো জি, আজ মানে আপ লোক সে বাত করতে বালি হুম পাকিস্তানি মিডিয়া কে বারে মে। সো বেসিক্যালি জব সে শেখ হাসিনা কি জানিব সে পাকিস্তান কো নো কাহা গিয়া হ্যায়, লাইক পাকিস্তান কা জো ফ্রিগেট হ্যায় জিসকো চাইনা সে পাকিস্তান আনা থা, उसको जी पोर्ट पे स्टॉप की ज़रूरत थी, वहाँ पे रीफिलिंग की ज़रूरत थी। तो बांग्लादेश से पाकिस्तान की जानिब से रिक्वेस्ट की गई थी वहाँ पे रुकेगा, लेकिन पाकिस्तान की जो शिप है उसको रुकने की इजाज़त नहीं दी गई। पाकिस्तान का जो फ्रिगेट है उसको मना कर दिया गया कि आप यहाँ पे स्टे नहीं कर सकते। ऐसे में जी ये चीज़ें सामने आना स्टार्ट हुई कि असल में इसके पीछे क्या वजह है, बांग्लादेश की जानिब से इसको क्यों मना किया गया। लाइक ये चीज़ें बहुत कॉमन है कि जो रीफिलिंग का जो भी इशू होता है अक्सर कंट्रीज़ जो हैं दूसरी कंट्री में स्टे कर लेती हैं, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन असल में इसके पीछे जो है वो है इंडिया। पाकिस्तानी मीडिया की जानिब से इस पर बात की जा रही है। अभी आप लोग से देखेंगे कि उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, वो इसको लेके क्या कह रहे हैं, आया वो इसको लेके नाराज़ हैं कि क्यों जी बांग्लादेश ने हमें मना किया है, और उनका क्या कहना है कि इसके पीछे असल वजह क्या है जो बांग्लादेश ने पाकिस्तान को मना किया है। वेल, अभी मैं आप लोग से रिपोर्ट देखूंगी। वीडियो आप लोगों ने पूरी देखनी है, वीडियो काफ़ी लंबी है, लेकिन आई विल ट्राई कि मैं आप लोग से 8 से 10 मिनट की वीडियो देखूँ। वीडियो देखने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों को लाजमी नोटिफिकेशन मिले। सो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, लाइक का बटन सामने उसे जल्दी से क्लिक कर दें। सो चलते हैं, देखते हैं वीडियो, लेट्स गो। और उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, एक बड़ी अनप्रेसिडेंटेड मूव हुई है, और वो ये है कि पाकिस्तान नेवी का एक शिप तैमूर जो है उसका जो इसको जारी बात है एक जंगी जहाज है जो कि श्रीलंका की जो बंदरगाह है उस पर बेसिकली ये डॉक करना चाह रहा था, जाना चाह रहा था, लेकिन ये कहने को इंडियन मीडिया इंडिया के कहने पे जो है वो बांग्लादेश ने पाकिस्तान को मना कर दिया। ये जो पाकिस्तानी बैरिया का जंगी जहाज है ये इसको जिसको कहते हैं PNS तैमूर, इंडियन मीडिया में भी बहुत डिस्कस हो रहा है, और बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि अब ये क्योंकि श्रीलंका की तरफ चल पड़ा है, वहाँ पे आई थिंक इन्होंने जो है वो डॉक भी कर लिया है, और बेसिकली इंडियंस कहते हैं कि इनको बहुत ज़्यादा तहफ़ुज़ात हैं इसके ऊपर। इंडिया कहता है क्योंकि ये चाइना का बनाया हुआ जहाज़ है और ये बहुत सारे जो हसास मकामात हैं ये उनकी मालूमात लेने के लिए आया है, और दिस इज़ द इंडियन पर्सपेक्टिव। अब जारी बात है बांग्लादेश, क्योंकि पाकिस्तान और बांग्लादेश के नेवल अच्छे ताल्लुकात भी हैं, एक टर्म बोली जाती है जिसको हम बोलते हैं मैरीटाइम डिप्लोमेसी, तो जहाज़ों का भी काम है कि वो डिप्लोमेसी करते हैं, मैरीटाइम डिप्लोमेसी होती है। अच्छा, आपको याद होगा कल जब हमने एक डिस्कशन की थी जिसमें इंडिया ने मना किया श्रीलंका को कि वो चाइना का जो एक शिप है वो ना आने दें, जिससे हमें पता चलता है कि ये इंडिया जो है वो कितना असर्ट कर रहा है। क्वेश्चन ये नहीं है कि बांग्लादेश ने पाकिस्तान को ये कहा है कि इस जहाज को फॉर अ मोमेंट आप जो है ना लेके आए यहाँ पे। अब जारी बात है बांग्लादेश की जो पोर्ट के वहाँ के लोग हैं, जो नेवी के लोग हैं, उन्होंने पाकिस्तान से माजरत कर ली, और ये कहा जा रहा है कि इंडियन के इंडिया के तहफ़ुज़ात हैं। अब इंडिया पाकिस्तान शिप वहाँ पहुँच रहा था, और ये आपको मज़े की बात बताऊँ कि ये इसका पहला सफ़र था, और इस जो अगले हफ्ते सुनने में आ रहा है कि इस जहाज ने पाकिस्तान नेवी के जो बैरी बेड़ा है उसमें बकायदा तौर पर शामिल होना था। अब ये जो जो तैमूर है, जो ये पाकिस्तान नेवी में आई थिंक इसी साल जून में कमीशन हुआ था, ये वो पाकिस्तान मेरा ख्याल है कोई 4 जो फ्रिगेट्स हैं पाकिस्तान नेवी शिप जो है ना तैमूर के नाम से वो उन्होंने लिए थे, और इस पे काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान पैसा लगा रहा है नेवी पे, क्योंकि हम समझते हैं कि आगे जो सारी की सारी जो कम्युनिकेशन लेन्स हैं, सी लेन्स हैं, वहाँ पे चीज़ें डिसाइड होनी है।
जैसे अब पाकिस्तान भी 2021 को आई थिंक पाकिस्तान ने जो है वो एक कहा था कि जी एक हम जो ब्लू वाटर पॉलिसी है या जो ब्लू नेवी है, इस जैसे हमने जार्गन इस्तेमाल किए बेसिकली ताकि हम बेसिकली अपनी नेवी को अहमियत दे सके। इससे पहले पाकिस्तान ने एक फ्रिगेट PNS तुगरिल को भी जो उसने भी ज्वाइन किया। तो बहुत सारे जो जहाज हैं पाकिस्तान जो है वो चाइना से ले रहा है, जिसमें एक जैसे आप समझ लें कि पाकिस्तान समझता है कि फ्यूचर में किस तरह जो नेवीज हैं उनकी जरूरत हमें पड़ सकती है। अब ये क्योंकि इसका पहला सफर था, इसने पहले बांग्लादेश जाना था, वहां से श्रीलंका आना था, लेकिन क्योंकि बांग्लादेश ने मना कर दिया और लेकिन अब ये फिर श्रीलंका चला गया। अब ये जो PNS तैमूर है, ये बेसिकली जैसे मैंने पहले बताया वो चार जंगी बैरी जहाज हैं जो पाकिस्तान ने चीन से खरीदे हैं, और इससे पहले अब जैसे मैंने बताया तुगरल की भी हमने पाकिस्तान ने खरीदा चाइना से। और ये जो पाकिस्तान के बैरी बेड़े का हिस्सा बनेंगे, क्योंकि हमें पता है कि हमें आइंदा किन चैलेंजेस को देखना है। अब बांग्लादेश जो है वो जारी बात है वो समझता है कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात इतने अच्छे नहीं है जितने इंडिया से अच्छे ताल्लुकात हैं। इंडिया को वो बिल्कुल नाराज नहीं कर सकते। थोड़े दिन पहले बांग्लादेश और चाइना जो थे उन्होंने एक डेवलपमेंट पार्टनरशिप साइन की है। भले ये चाइनीज मेड जहाज है लेकिन बांग्लादेश को मना किया इंडिया ने और वो मना हो गया। अब क्योंकि ये कहा जा रहा था क्योंकि जी 15 अगस्त की सेरेमनीज आ रही हैं और जिसमें सरकारी सतह पे जो है वो बहुत सारी चीजें होंगी, और सुनने में आ रहा है कि जैसे बांग्लादेश में सोग भी सरकारी तौर पे मनाया जाता है, जिस तरह इंडिया भी जो है वो पार्टीशन हॉरर के नाम से एक दिन मनाता है 14 अगस्त को, और वो सारी चीजें करता है। वो ठीक है, उनका एक हक है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। पहले ही हमारी आवाम के दरमियान और मामलात बहुत ज्यादा खराब हैं, तो इससे कोई फायदा तो लीडरशिप नहीं कर सकती, नुकसान ही कर सकती है, लेकिन फिर भी एनी हाउ लीडरशिप के अपने इंटरेस्ट हैं, लेट देम डू। जो हम मैं जी समझता हूँ कि इसकी जो सिग्निफिकेंस है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। गो के पाकिस्तान जो नेवी है उन्होंने कहा है कि उनको ये वो जो समझते हैं कि ये प्रोपेगेंडा हो रहा है कि पाकिस्तान के बारे में, जैसे कि हम जो कोई स्पाई शिप वहां पे लेके जा रहे हैं। जो पाकिस्तान नेवी की तरफ से बात सामने आ रही है कि वो उन्होंने कहा जी फिलहाल हमने इस दौरे को मौखर कर दिया है और नई डेट्स के ऊपर बात हो रही है। अब ये चीज भी जारी बात है इम्पोर्टेंट है कि इसमें कुछ जारी बात है, जब प्रोफेशनल नेवीज आपस में बात करती हैं तो सियासी बातें या सियासी इश्यूज डिस्कस नहीं होते, सिर्फ मिलिट्री एंड डिप्लोमेटिक चीजें जो हैं वो डिस्कस होती हैं। और इस चीज को भी समझा जाता है कि जो लेट्स से क्योंकि ये मैरिटाइम डिप्लोमेसी के तौर पे क्या हुआ था ये जहाज, तो पाकिस्तान ने जारी बात है जो होस्ट मुल्क है उसकी इस चीज का ख्याल रखना है। अब क्वेश्चन तो ये था कि पाकिस्तान का जहाज ये बांग्लादेश में रुक जाता और वहां पे डॉक ना करता, लेकिन रुक जाता और कुछ इंतजार करता, लेकिन उन्होंने फैसला ये किया कि इसको जो है श्रीलंका की तरफ मोड़ दिया जाए और वहां पे कुछ देर रहेगा और फिर वहां से ये वापस आ जाएगा। अब आप इमेजिन कर सकते हैं दोस्तों कि इंडिया जो है वो कितना ज्यादा असर्ट कर रहा है खित्ते में, और बांग्लादेश भी उसके पूरे इन्फ्लुएंस में है। पाकिस्तान को जारी बात है कल कलां को जब मामलात जब खराब होते हैं तो एक चीज याद रखिए कि चीजें जो हैं वो आउट ऑफ कंट्रोल जब होती हैं, तो एक चीज तो मुझे नजर आ रही है कि इस खित्ते में कोई ऐसा देखिए, पाकिस्तानी मीडिया की जानिब से क्या कहा जा रहा है, इंडिया का जी बहुत इन्फ्लुएंस है बांग्लादेश पे, और यहाँ पे क्योंकि बांग्लादेश की दोस्ती इंडिया से ज़्यादा है, चाहे कोई फ़ायदा हो या ना हो, लेकिन दोस्ती जो कि ज़्यादा है इस वजह से बांग्लादेश को इंडिया की ये बात मानना पड़ी। यहाँ पे इन्होंने साथ ही जिक्र किया कि चूँकि इंडिया की जानिब से पहले ही श्रीलंका को कहा गया था कि चाइना का एक जहाज़ है जो कि आप लोगों की तरफ आएगा, उसको आपने रुकने नहीं देना, जिससे पता चलता है कि इंडिया की जानिब से ही मना किया गया बांग्लादेश को कि पाकिस्तान का जो आ रहा है फ्रिगेट उसको यहाँ पे डॉक करने की इजाज़त ना दी जाए, क्योंकि इसका पहले
इसका इन्होंने साथ से कहा कि इसका जो फर्स्ट ट्रैवल था बेसिकली, और यहाँ पे अगर रुक जाता तो इसमें कोई मज़ाक़ा नहीं था, क्योंकि बांग्लादेश के ऑलरेडी चाइना के साथ अच्छे रिलेशंस हैं, तो इस चीज़ को लेके उनको ऐसे इनसिक्योर फील नहीं करना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे चूँकि इंडिया का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, तो हर चीज़ में अब बांग्लादेश के अंदर घुसने की कोशिश करते हैं, बांग्लादेश से जी अपनी बात मनवाने की कोशिश करते हैं, तो उन्होंने यहाँ पर भी यही किया। और पाकिस्तान के जो वॉरशिप है उसको वहाँ पर रुकने की इजाज़त नहीं दी गई। वेल, श्रीलंका को भी मना किया गया, श्रीलंका ने लेकिन उनकी बात नहीं सुनी। यहाँ पे जी बांग्लादेश की नेवी की जानिब से पाकिस्तान की नेवी से जी माजरत कर ली गई। पाकिस्तान की नेवी ने इसको कैसे देखा, जाहिर सी बात है उन्होंने थोड़ा माइंड तो किया कि लाइक हमारा कोई ये कोई स्पाई शिप नहीं है जो कि वहाँ पे रुकता, तो ऐसे आप लोगों की वहाँ से डाटा गैदर कर लेता या कुछ हो जाता। लेकिन यहाँ पे क्योंकि कहा जा रहा है कि 15 अगस्त आ रही है जो कि इंडिपेंडेंस डे है इंडिया का, तो ऐसे में उनको बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी है कि शायद पाकिस्तान पता नहीं क्या कर देगा एंड ब्ला ब्ला ब्ला। जो इनसिक्योर लोग होते हैं हमेशा इनसिक्योर फील ही करते हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो बांग्लादेश हो। बांग्लादेश से भी इंडिया को इनसिक्योरिटी होती है और पाकिस्तान से तो हमेशा से होती है। वेल, अभी आप लोग इसके बारे में क्या कहेंगे, पाकिस्तानी मीडिया की राय के बारे में आप लोग का जो भी पर्सपेक्टिव है आप लोग लाजमी बताना है कॉमेंट सेक्शन में। वीडियो को आप लोगों को लास्ट भी लाइक करना है, लाइक का बटन सामने उसे जल्दी से क्लिक कर दें। वीडियो को लास्ट भी शेयर करना है अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूँ आप लोग को लास्ट भी नोटिफिकेशन मिले। अगर आप लोग मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक का पेज है, वहाँ पर जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं। आई विल सी यू गाइस, टिल देन टेक केयर, लव यू।